ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। आज तुलसी महारानी की बात करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में हम तुलसी माता इसे हम साक्षात माता महालक्ष्मी की स्वरूप मानते हैं। तुलसीदास की महत्ता क्या विज्ञान के दृष्टिकोण हो आध्यात्मिक धार्मिक हो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी दल की महत्ता कोई शब्दों में से पूरा वर्णन नहीं कर सकता। इसकी कई मान्यताएं हैं। कुछ नियम भी बनाए हैं हमारे पूर्वजों ने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहते हैं चेहरे में थोड़े दाग लग जाए, आपके स्किन में थोड़ी सी कहीं कोई दाग हो, चाहे डिप्रेशन का बात हो, पेट संबंधी बातें हों, या फिर किसी प्रकार की एलर्जिक हो, वहाँ तुलसी काम कर जाता है। उतना ही नहीं, यदि आपके दरवाजे में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और वहाँ से जो हवा होकर आपके घर के अंदर जो हवा जो गुजर रहा है वो भी पूरे घर को शुद्ध कर देता है। नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से दूर होती हैं, कई प्रकार के कीटाणु भागते हैं। इस प्रकार की कई बातें हैं। और तुलसी दल के बारे यदि हम कहें तो हिंदू धर्म के मान्यता के हिसाब से जन्म से मृत्यु पर्यंत तुलसी की महत्ता है। हम भगवान की पूजन करते हैं, दैनंदिनी जीवन में प्रसाद ग्रहण करते हैं, कहीं भी तुलसी से संबंधित बातें अवश्य है। आइए हमारे पूर्वजों ने जो तुलसी के बारे कुछ नियम बता के गए हैं जो हम सबों को मानना चाहिए, प्रायः घरों में माना भी जाता है किंतु फिर भी ये आवश्यक है चर्चा करना। तुलसी दल की यदि बात करें तो तुलसी दल तोड़ने के लिए बिना स्नान किए कभी भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी स्नान के पश्चात ही शुद्ध होकर शुचिता शुद्धता को दृष्टिकोण पर रखते हुए तुलसी दल तोड़ना चाहिए। और जब स्मरण रहे, जब तुलसी दल तोड़ते हैं तो एक दो पत्ते अलग अलग नहीं तोड़ते, वो मंजरी सहित तोड़ा जाता है। और जब मंजरी भी तोड़ते हैं तो उसमें पत्ते भी हो, पत्ते मंजरी सहित तोड़ना है, नाखून लगाकर नहीं तोड़ते। ऐसा ना तोड़े कि पूरा पौधा हिल जाए। पौधे को हिलाए बिना शालीनता से श्रद्धापूर्वक धीरे से तोड़ा जाता है मंजरी सहित, ये ख्याल रखना। इसके बाद ही कभी कभी ऐसा है कि वैधृति योग है लगा हुआ, व्यातिपात है जो पंचांग में रहता है, इस समय तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। रविवार मंगलवार शुक्रवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। द्वादशी अमावस्या और पूर्णिमा एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। स्मरण रहे कि गणेश जी और शिव जी को भी तुलसी दल अर्पित नहीं करते हैं, किंतु ये सारे निषेध को ध्यान पे रखेंगे, किंतु जहाँ भगवान विष्णु की पूजा हो तो तुलसी दल के बिना पूजन अधूरा है, उन्हें भोग लग ही नहीं सकता, वो अपनी भोग नैवेद्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं तुलसी दल के बिना। यदि शालिग्राम देव को अर्पित करना हो किसी पूजन में या जैसे भी, तो जितने भी निषेध तिथियां बताई गई हैं, जो वार बताए गए हैं, उन सारे नियमों को तोड़ कर भी शालिग्राम देव के लिए तुलसी दल तोड़ा जा सकता है। यहाँ सारे नियम तोड़ कर भी ऐसा करेंगे, यानी भगवान विष्णु के लिए सबसे प्रिय है। तुलसी दल को चबा कर ग्रहण नहीं करते, ये भी ख्याल रखना है। और जहाँ तुलसी होते हैं वहाँ यम का वास नहीं होता, वहाँ यम प्रवेश नहीं करता। आप देखिए, जब व्यक्ति जब मृत्यु शैया में होता है तो भूमि में उसे लेटाते हैं उस व्यक्ति को, मरणासन वाले व्यक्ति को, और नीचे तुलसी दल रख दिया जाता है ताकि यम प्रवेश ना कर सके, उससे यम उसके सामने स्पर्श न कर पाए। इन बातों को ख्याल रखना। मृत्यु पर्यंत भी, मृत्यु के समय भी तुलसी दल मुख में दिया जाता है। कंठी माला लोग जो धारण करते हैं, ऐसी मान्यता है इसे गोलोक और विष्णु लोक की प्राप्ति होगी, वो यम लोक नहीं जाएगा, ऐसा मानकर माना जाता है। अब तो लोग मृत्यु के पश्चात भी लोगों को मुंह में गंगा जल तुलसी देते हैं, ये लोगों की परिजनों की भावना की बात है। मरने के बाद तो वो मिट्टी है, वहाँ दे ना दे तो मुर्दे को तुलसी दिलाकर क्या फ़ायदा, लेकिन पहले ही उसका होना चाहिए। वो तो मिट्टी हो चुका, प्राण निकल चुका है, लेकिन ठीक है, लोगों की भावना की बात है, उस पर हम विशेष नहीं जाएंगे। तुलसी के पौधे का मिट्टी
का भी आप तिलक करते हैं तो वो भी बहुत शुभ है। यानी तुलसी के गमले में जो मिट्टी है वह भी नहीं, और बात रही कि तुलसी को विराजमान कहाँ कराते हैं, तो आपके घर में तुलसी पूरब या उत्तर दिशा में तुलसी होनी चाहिए। और सबसे अंतिम बात, जो सूखे पत्ते जो झड़ जाते हैं पौधे के नीचे रहते हैं और निषेध तिथियां हैं जिस समय आप तुलसी दल नहीं तोड़ सकते, तो नीचे वाले तुलसी को आप लाकर पूजन में उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। स्मरण रहे तुलसी दल, जिस प्रकार से गंगा जल कभी अपवित्र नहीं होता, बासी नहीं होता, उसी प्रकार तुलसी दल को भी कभी भी बासी नहीं माना जाता। यदि काफ़ी पुराना हो जाए और न मिले और नीचे से लाएँ तो गंगा जल से उसे धोकर शुद्ध करके उसे प्रयोग किया जा सकता है। सबसे अंतिम बात, पौधे के नीचे जो पत्ते पड़े रहते वो यूं ही क्या ना बिखर जाए, पाँव न लगे, कहीं उसका अपमान ना हो, इसलिए उन सारे पत्तियों को एक साथ एकत्रित करके या तो उसे बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें, विसर्जन करें, या फिर किसी मिट्टी में दबाकर उसे विसर्जन कर देना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान पे रखना है तुलसी दल की महत्ता। और घर में निश्चित है, कहा भी जाता है जिस हिंदू के घर में तुलसी नहीं है वो तो अधूरा है, तो निश्चित मैं समझता हूँ आपके घर में तुलसी का पौधा अवश्य है। नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, यानी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की भी चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा करना है। यदि नहीं है तो आज से आप प्रयास करें। बाकी नारायण नारायण, हरिओम।